हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं झटपट ब्रेड पिज़्ज़ा। आज कुछ खाने का दिल नहीं था घर पे, तो सोचा क्यों ना झटपट पिज़्ज़ा बनाया जाए। तो ये नगेट्स रखे हुए थे हमारे पास, ठीक है, तो मैंने उसको फ्राई करा और उसके छोटे छोटे चंक्स कर लिए थे। और जो जो सामान मेरे पास था उसके साथ मैं आपको बनाना बताऊँगी कि ब्रेड पिज़्ज़ा कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने जो है ये ब्रेड के दो पीस करके मैं बना रही थी। दो पीस को सेक लिए हल्का सा ऑयल लगा के आगे पीछे करके। उसके बाद हमने लिया चेडर चीज़, मोज़ेला चीज़, केचप ऐड करने के लिए लेंगे हम, मायोनीज़ हम लेंगे, और वही हमारे नगेट्स के चंक्स जो थे वो, और थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स, सही है। और जो है एक ब्रेड मतलब लेंगे आप, और ओरिगानो ज़रूर ऐड होगा, ओरिगानो लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये जो है रोस्ट कर लिया। अब मैं इसके कोटिंग करके आपको बताती हूँ कि हम कैसे इसको फिल करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर मायोनीज़ ऐड करेंगे, ठीक है, मायोनीज़ ऐड कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर हम केचप ऐड कर देंगे, सही है। ये झटपट पिज़्ज़ा रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी, प्लीज़ ट्राई करेगा। फिर इसको हम अच्छे से जो है मिक्स करेंगे अपने ब्रेड को, फिर उसके ऊपर हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, और अपने जो है नगेट्स के जो चंक्स थे वो ऐड करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर चेडर चीज़, मोज़ेला चीज़ सॉरी ऐड करी पहले। ये वो लेयर आती है ना, सबसे पहले मोज़ेला चीज़ ऐड करेंगे, उसके बाद हम ये चेडर चीज़ ऐड करेंगे। इस तरीके से मैं इसकी टॉपिंग कर रही हूँ, सेंटर में ज़्यादा करना है क्योंकि ब्रेड के नीचे फिर आप पैन में अगर रखें ना तो वो जो है पिघलने लगती है जल्दी। उसके बाद हम जो है अपना ओरिगानो ज़रूर ऐड करेगा, उससे बिल्कुल पिज़्ज़ा टाइप टेस्ट आएगा। उसके ऊपर मैंने ओरिगानो जो है छिड़क दिया ज़्यादा सा, ये। उसके बाद मैंने दो दो करके मैंने जैसे आपको बताया, इसको मैं जो हूँ हल्की बिल्कुल फ्लेम पर रख दूँगी। देखिए ये मेरा रेडी हो गया, जब मेरी चीज़ मेल्ट हो गई, क्योंकि मेरे ब्रेड सिके हुए थे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए, अपना ख्याल रखिएगा, लाभ दे।